मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। उन बोले ना पीछे पंजाबी था, ये आवाज चल के आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम आवर डिग्निटरीज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा वादा क्लब, हैव यू हर्ड अबाउट द वादा क्लब? आप यहाँ पर हो, वादा क्लब के साथ जुड़े हो, बट बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज वादा इज नॉट अ वर्ड, इट्स नॉट अ वर्ड। ये वादा जो है ना, ये उसी तरह से हम इंसानों की भी जो लाइफ है ना बेटा, वो चेंज, नियत जो है ना वो चेंज होती जा रही। पहले बहुत लिमिटेड कलर्स होते थे, ब्लैक व्हाइट यू नो, लेकिन आज के टाइम पे कलर कौन कौन से है? जब कलर्स इतने ज्यादा हो गए तो लोगों के रंग भी तो बदल गए। जब लोगों के रंग बदल गए सो दैट मीन्स उनको पहचानना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गया। मैं छोटी सी हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मुल्लापुर के पास आपने देखा होगा न्यू चंडीगढ़ में बहुत सारी जब लैंड एक्वायर होगी तो लोगों ने बहुत सारी, आप में से भी कुछ बैठे होंगे तो बच्चों के पास घर पे पैसा आ गया, माँ बाप भी खुश, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके दे दी। और गाड़ियां क्या, कभी किसी के पास फॉर्चूनर है, कभी BMW है, और व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे। तो ये दोनों चीजें जो है ना, दिल और दिमाग। और मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है जो मुझे बहुत पसंद है, एनसीसी से वो कर लिए, कनेक्ट देम वो, दिल तो कच्चा है जी और दिमाग बच्चा जी। So what kind of life you are living? Next please. Ma'am, next please. और आज हमारे पास जो है मिनिस्ट्री से हमारे डेलीगेशन आए थे स्पेशली इसलिए नशा मुक्त अभियान के लिए। अब ये जो नशा मुक्त अभियान है ये जरूरत क्यों बन गई है, वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्ट्रेंथन आर सोसाइटी। क्योंकि ये जो ड्रग्स का थप्पा लगता जा रहा है उसको किस तरह से हम लोग जो है वो खत्म कर दें, तभी हम चाहते हैं कि इट शुड बी अ ड्रग फ्री सोसाइटी, ड्रग फ्री। लेकिन ड्रग फ्री उसको बना कौन पाएगा? नशा मुक्त नॉट इन आर कंट्रोल, हम अपने कंट्रोल में है ही नहीं, तभी कहा जाता है नशा जो है नाश की जड़ है। नशा नाश, जिसके साथ ही नाश लिखा है तो ऑब्वियसली उसको हमें क्यों लेना। सो अगर हम किसी की बात करेंगे तो वो बात करेंगे, हम जिंदगी की बात करेंगे। सो नशे को जो अपनाएगा वो पूरा जीवन पछताएगा। आर यू अवेयर कि ये जिंदगी का मकसद क्या है? आप में से कोई जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जानते हो? सच में बताओ, बताइए मैम। टू रिजॉइस, टू रिजॉइस एवरी मोमेंट मैम, टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, टू रिजॉइस एवरी मोमेंट, टू रिजॉइस एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ओके, यस। और कोई? और पर्पस क्या है? एवरीबॉडी है जी और दिमाग बच्चा है जी, क्योंकि दिल हमेशा कच्चा ही, दिल कच्चा रहता है तो दिमाग, दिल बच्चा और दिमाग कच्चा। तो अगर ये दोनों चीजें बेटा ऐसी रहेंगी ना तो सच में, और इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करना सीखोगे, मेनी ऑफ यू, बहुत सारे लोगों ने बेटा अपने आप को, लाइफ को कभी इंजॉय नहीं किया अपने साथ। इफ आई टॉक अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन लोग सेकंड में खत्म कर देते हैं, दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे अपने साथ तो हैं लेकिन अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। व्हाट वी आर, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय वीकनेस, जिस पे काम किया जा सकता है। लोग आपको पता क्यों टारगेट करते हैं? बिकॉज जब आप वीक हो जाते हो ना मेंटली फिजिकली, तो आपको टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बताइए कि दुनिया कभी आपसे टारगेट ना कर पाए। तो जब आप बिल्कुल उसमें जा रही है, मूड में जा रही है, रिलैक्स है, आप कभी भी कहीं पार्टीज में चले जाओ तो यू कैन चेक द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। एक छोटी सी मैं कॉल, क्योंकि ट्रैफिक मार्शल भी हूँ, दैट इज योर चॉइस। वहां पे
बैठ के सुनना, अगर आप ऑडियंस के बीच में बैठ के, यू नो आई अटेंड कॉन्फ्रेंस, मैं शायद सारा दिन बैठ के लोगों को सुन सकती हूँ, बिकॉज इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू लिसन. रब ने दो कान दिए सुनने के लिए, एक मुंह दिया बोलने के लिए, ताकि आप सुनो अच्छा और बोलो कम, और जितना बोलो बेटा वो बढ़िया बोलो, ताकि लोग आपको आपका वक्त देना पसंद करें. आज आपको बड़ी जगह पर आपको जजमेंट होगी कि जहां पे कोई मेरा फायदा है वहां मुझे लोग वक्त देते हैं, अदरवाइज नोबडी इज अवेलेबल. व्हाट्सएप पे सारे अवेलेबल है, इतने ज्यादा बाबा गुरु ज्ञान सुबह सुबह व्हाट्सएप पे आ जाता है, गुड मॉर्निंग पे. और जब आप जाकर उन्हीं लोगों को मिलो, दे डोंट हैव टाइम टू मीट यू, दे डोंट हैव टाइम टू रीच यू. तो जब आप लोगों के पास वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम है, तो बेटा सिर्फ आप वर्चुअल वर्ल्ड के ही बने रह जाओगे, बिकॉज दिस वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं इट इज अ सोशल वर्ल्ड. तो जब सोशल वर्ल्ड है तो सोशल वर्ल्ड में हमें सोशल रहना पड़ेगा. एक छोटी सी वीडियो दिखाऊं, आप अभी अदा करेंगे, आप अभी पहुंचा मेजोरिटी ऑफ लाइफ अपना जितने मेजोरिटी आप सारे मिडिल क्लास को फॉलो कर देना. जिम का एग्जाम्पल दूं, मेरे फ्रेंड जो उन्हें अपने ऊपर उन्हें बीजी गए, अपने फ्रेंड के साथ मिडिल क्लास तो बिलोंग करता सी, पर इन्हें पैसे नहीं सी जिम को वो कर सके, अप्रोच कर सके. स्टेरॉइड्स लेने से कॉम्पिटिशन खेलना सी, उन्हें किसी लोकल जिम तो सिर्फ पता अपना लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ये सब चीजों के जो है ना मिल जाते हैं. यहाँ पर इन्होंने यूथ हमारे ये सब चीजों को ना फ्लेक्स करता है कि हाँ भाई हम ये दाल वगैरह पीते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं. हाँ, और ये पंजाबी सिंगर मतलब अपने आइडल्स को देख देख कर ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं. मतलब क्वेश्चन मैम एक है, ठीक है, स्पेसिफिक कम्युनिटीज के मैम डिफरेंट सिंगर्स भी हैं, जैसे भोजपुरी सिंगर्स हैं वो भी ऐसे गाने गाते हैं, बट पंजाबी इज नॉट इट अबाउट यू आर रेफरिंग. इवन इफ चंडीगढ़ में भी जितने भी सिंगर्स हैं और कम्युनिटीज के वो भी प्रमोट करते हैं. मेजोरिटी इसका कोई डेटा, यू कांट सोर्स इट. सुना है मुझे पहले? Yes, ma'am. I've been to your college. Okay, good morning, and I'm glad to be here once again. आज मैं अपने आपको ना सुनाते हुए ग्रेजुअली उनकी काउंसलिंग जरूरी होती है. सेकेंडली उसके बाद हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स है जो कि 18 सेक्टर में एसपी कायम है, 23 सेक्टर में हमारा डॉक्टर हरदीप न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, और मणिमाजरा में डॉक्टर आर्य हॉस्पिटल है. आप यहाँ पे भी इन लोगों को रेफर कर सकते हैं, बता सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट 1446 जो है हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आप इनको बोल सकते हैं कि आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके उनसे काउंसलिंग सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, यानी कि टोल फ्री नंबर. तो अगर आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह का इंसान ऐसे मिलता है, kindly tell your teachers, tell your seniors, tell your parents, do not afraid, and kindly create the meaning to your life. बहुत छोटी सी जिंदगी है, as ma'am has said, kindly give meaning to your life. मेरा lecture पहले भी आप बच्चे सुन चुके हैं, so I would not repeat all those. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India में. और प्रभजोत मैम और मोहिंदर मैम ने काम बहुत आसान कर दिया. अब हमें कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. वी ऑल्सो हैव अ पीपीटी, तो आप लोग बताओ कि पीपीटी से चलना है या फिर हम ऐसे ही इंटरेक्ट करें आपस में.
पीपीटी देखोगे आई वुडंट प्रेफर, क्योंकि मैम ने ऑलरेडी अच्छे से पीपीटी समझा दी, एक बार पीपीटी क्यों देखनी है, इतने पढ़ाकू बच्चे हैं क्या? ठीक है, तो बिना